तो देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना आसान है। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भारी तो होता नहीं है। बस देखिए आप जुड़े रहिए ज्ञापन एकेडमी के साथ और एक एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देखते चलिए। आपका डाउट यहीं पे होगा आउट, ये दिमाग में भर लीजिएगा। उसके बाद से आपको देखिए मैट्रिक का जो आपका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा, उसके बाद से आपको फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। नहीं तो अगर रिजल्ट बेकार आया, ठीक है, रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ, तो पहला तो आपको परेशानी होगा। अगर कहीं जॉब लेने जा रहे हैं आप, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो परेशानी हो सकती है। और दूसरा, घर वाले हमेशा कुछ नहीं, क्या पढ़ रहा था, क्या करने जा रहा था, किसका मुंह देखने जा रहा था, ये सब तो बना था, ये तो होता ही रहेगा। इसीलिए आपको कह रहे हैं पढ़ाई पर जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। देखिए अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे दो ठो जोड़ा में, पेयर यानी जोड़ा होता है, यहाँ पे जोड़ा, देखिए वो जोड़ा मत समझेगा, एक होता है कपल यानी जोड़ा, तो वो हस्बैंड वाइफ का जोड़ा बोलते हैं नाइस कपल, वहां मत, ये सब जो एक जैसा होता है, जैसे चप्पल का जोड़ा हो गया, तो उसको पेयर है, एक ही जैसा, हस्बैंड वाइफ एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि खूबसूरत जोड़ी है उनका, इसीलिए नाइस कपल बोला जाता है। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर यानी जोड़ा, यानी कि जो भी ये नीचे जोड़ा दिया गया है, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल, यानी कि एक हल, सॉल्व करने के बाद मात्र एक हल होना चाहिए। आपको A1 बट्टा A2 पर हम समझाए हैं, यानी एक हल, कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी कोई हल नहीं और अनेक हल होता है, कब ये बता चुके हैं। सॉल्यूशन इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर बोला यही मेन टॉपिक है, बोला है कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद अगर वो अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है, एक हल के लिए रूल बताए थे A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। अगर ये रूल को फॉलो करेगा, अगर ये A1 बट्टा A2 इसका B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं होगा, तभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। अगर ये दोनों होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, या फिर इनफिनाइट यानी अनेक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन होगा, अनेक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, तो उसमें ये रूल नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे क्वेश्चन को वहीं पर, ठीक है। हमको सिर्फ क्या, ये वाला रूल को फॉलो कराना है। हम इधर लिख देते हैं A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, यानी कि ये और ये दोनों अगर बराबर नहीं है, तो ही हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। हमको फॉर्मूला बता चुके हैं, यहां भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहां पे A1 A2 क्या है। यहां लिखते हैं A1 बट्टा A2 क्या है। A1 बट्टा पहला वाला एक बोला जाता है, एक्स के साइड वाले को ए बोलते हैं, कुछ नहीं है तो एक। A2 क्या है, 3। अब देखते हैं यहां पर B1 बट्टा B2, इसके बाद वाला क्या है, माइनस में 3B1 है, माइनस में 3। अब B2 क्या है, माइनस में 9। माइनस से माइनस खत्म, 3 का हो गया 9, 1/3। यहां देखिए तो A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 क्या आया है, यहां पे आया है आपका 1/3 और बराबर 1/3। ये तो दोनों बराबर है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, बराबर है। जबकि हमको क्या चाहिए, ये दोनों अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग क्या करते, इसका हम लोग निकालते, मतलब कि क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा, तो इसको हम लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे। वैसे हम यहाँ पे तीनों लिख देते हैं, A1 बट्टा A2 हो गया, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 क्या है, C1 बट्टा C2 आपका है -3 -2, माइनस और माइनस कट गया 3/2। अब देखिए पहला दूसरा बराबर है, मतलब A1 बट्टा A2 इज इक्वल टू B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। जब ऐसा कंडीशन आता है, देखिए पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो यहां पे होता है इसका कोई हल नहीं होता है, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई हल नहीं। तो जब कोई हल नहीं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही कंडीशन में सॉल्व करना है, याद रखना है कि अगर ये पहला दूसरा बराबर नहीं होता तो हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बस ये इतना ही था, ठीक है। अब देखते हैं बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं कि यह इसका एक हल है कि नहीं। अगर एक हल होगा यानी वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, देखिए यूनिक सॉल्यूशन बोलिए, वन सॉल्यूशन बोलिए, ठीक है, अद्वितीय हल बोलिए, एक हल बोलिए, सब एक ही बात है, सब एक दूसरे का भाई भतीजा है, एक बात, मतलब एक ही चीज है। अब देखिए यहां आपको करना क्या है, यहां आपको यह करना है कि सबसे पहले ये चेक करें कि इसका एक हल है कि नहीं। जब एक हल होगा तभी वज्रगुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। और इसका रूल हम बता चुके हैं कि एक हल के लिए होता है A1 बट्टा A2
बराबर नहीं होना चाहिए बी वन बट्टा बी टू का। अगर ये वाला दोनों है, मतलब ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसको हम समय ए वन ए टू और ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री मतलब सॉरी ए वन फिर बी वन फिर बी यहाँ पे सी वन ये हम पहले बना लें। यहाँ देखिए सबसे पहले 2x प्लस वाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ 3x प्लस टू वाई ये माइनस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस, समीकरण एक हो गया ये, इसको दो मान लीजिए या फिर एक दो इसको मानेंगे तो तीन चार इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए ए वन कितना है, ए वन बट्टा ए टू कितना है, ए वन बट्टा ए टू, ए वन बट्टा ए टू आपके पास है यहाँ पे ए वन है दो और ए टू है थ्री, बी वन बट्टा बी टू क्या है तो ये वाला बी वन वन है और बी टू है टू, सी वन बट्टा सी टू क्या है तो माइनस में फाइव और माइनस में एट है, ठीक है। अब बताइए कि ये पहला वाला ये वाला इसके बराबर दिख रहा है, ये दो बट्टा तीन है ये एक बट्टा दो है, ये बराबर नहीं है, यानी ए वन बट्टा ए टू बी वन बट्टा बी टू के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका एक हल होगा, कितना हल होगा लिखिएगा ए वन बट्टा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू, ये ऐसे लिखिएगा और लिखिएगा अद्वितीय हल लिखिए, यूनिक सॉल्यूशन लिखिए या फिर एक हल लिखिए, एक ही बार ये सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। जब इसका वन सॉल्यूशन होगा तो कौन सा मेथड से बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको बहुत ही आसान तरीका से हम बताए हैं ये जो वज्रगुणन विधि है फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो बताए थे और समझाए थे बड़ी प्यार से, कैसे समझाए थे, यहाँ पे ए था बी था सी था, पहले बी सी लेना है दो बार, सी ए लेना है दो बार, ए बी लेना है, बी से शुरू करना है। देखिए लिखिए एक्स वाई तो रहेगा क्योंकि यहाँ एक्स और वाई का मान निकलना है, तो सबसे पहले एक्स बटा बी सी में से बी सी को घटाइएगा, ठीक है बराबर, फिर y लिखिएगा, BC के बाद क्या है BC हो गया, उसके बाद से CA है, CA में से CA घटाइएगा और एक बार एक बट्टा यहाँ से AB में से AB घटाइएगा, यही है फॉर्मूला याद हुआ, यही चीज दो बार लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखिएगा वन टू वन टू वन, एक दो दो एक, एक दो दो एक हो गया, अब वैल्यू ले जाकर भर दीजिए आंसर आ जाएगा x बट्टा B1 कितना है 1, C2 कितना है माइनस एट, बीच में माइनस है तो माइनस, B2 कितना है B2 है 2, C1 कितना है माइनस में 5 इज इक्वल टू y बट्टा C1 माइनस 5, A2 कितना है A2, A2, A2 का आपका कहाँ है यहाँ पे A2 3, इसके बीच में गुणा छिपा रहता है इसलिए गुणा दे रहे हैं माइनस, C2 कहाँ है तो C2 माइनस 8 है, माइनस में 8 है इंटू A1 क्या है तो A1 है आपका दो, ठीक है इज इक्वल टू वन बट्टा, A1 क्या है A1 आपका दो है, B2 क्या है तो B2 आपका टू है माइनस, A2 A2 आपका थ्री है और B1 वन है, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, हल कैसे होगा X आठ एकम आठ माइनस में आठ और माइनस पाँच दूना दस ये प्लस में दस हो जाएगा इज इक्वल टू वाई बट्टा पाँच यही हो जाएगा ये पंद्रह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस पाँच आठ दूना सोलह ठीक है इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक बट्टा दो दूना चार माइनस तीन एकम तीन ठीक है ये पाँच दूना दस होगा यहाँ पे आठ एकम आठ हो गया पाँच दूना दस हो गया देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये पाँच तीन हो गया पंद्रह लेकिन पंद्रह यहाँ पे किस में होगा इधर सही से लिख दे रहे हैं माइनस में और आठ दूना सोलह तो होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है दो दूना चार और ये तीन एकम तीन यहाँ पे क्या कीजिएगा एक्स दस में से आठ जाएगा दो हो जाएगा क्यों बड़ा वाला में से घटता है ज़्यादा में से घटेगा कम और सिंबल रहता है जिसमें से घटाते हैं तो ये प्लस में है तो प्लस प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है y बट्टा 16 में से 15 जाएगा एक बराबर एक बट्टा ये हो जाएगा एक एक बार कीजिए इसको इसके बराबर ताकि y का वैल्यू x का वैल्यू निकलेगा देखिए यहाँ पे x बट्टा दो बराबर एक बट्टा एक एक बार इसको इसके बराबर क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है तो x बराबर जब तिरछा तिरछी गुणा होगा तो एक से कम एक से हो जाएगा दो एकम दो एक्स बराबर कितना आया दो आया अब एक बार इसको बराबर कीजिए y बट्टा वन बराबर वन बट्टा वन तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो y बराबर वन आएगा यानी x बराबर दो आया और y बराबर टू देखिए अगर एक हल होगा
यानी कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर अगर नहीं है तभी ये काम करना है, अदरवाइज अगर ऐसा कंडीशन नहीं आ रहा है यानी कि ये पहला वाला दूसरे वाले के यानी बराबर नहीं आ रहा है तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम लोग बिना देर किए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे फिर से 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है अगर एक सोल्यूशन होगा तो फिर वही बात आगे बढ़ाएंगे, एक सोल्यूशन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्या होगा लिखिए यहाँ पे a1 बटा a2 कितना है, 3 है a1 और a2 है 6। ठीक है, एक काम कीजिए, ये पहले काम पहले इसको इधर ला लीजिए वो बेहतर रहेगा। 3x - 5y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 20। ठीक है, समीकरण एक इसको मानिए 6x - 10y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 40, समीकरण दो मानिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए a1 बट्टा a2 यानी a1 कितना है, a1 है 3, a2 है 6। ठीक है, 3 × 6 1/2 आया। ठीक, यहाँ देखिए b1 बट्टा b2 क्या है, b1 है -5 और b2 है -10। माइनस से माइनस कटो, 5 × 10 यानी 1/2 ये भी आया। ये तो यहीं पे रूल फ्लॉप कर गया, क्या कर गया, क्योंकि एक हल के लिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए जबकि यहाँ पे ये खुद है, तीसरा क्यों छोड़े। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, इसको छोड़ने से क्या फायदा है, यहाँ पे हो जाएगा -20/-40, कट जाएगा 20 × 40 1/2। ये तो आपस में तीनों बराबर आया, यानी ये जो तीनों है ये आपस में क्या आया है, बराबर आया। जब ये तीनों आपस में बराबर आता है तो उसका मेनी सॉल्यूशन होता है यानी अनेक हल होता है। तो लिखिएगा नीचे ही लिख दीजिएगा वहां पे, इसके अनेक हल है। तो जब इसके अनेक हल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मनाइए गॉड से कि बार बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, आधा बनाना पड़ेगा ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत जितना कीजिएगा रंग उतना ही चढ़ेगा, रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपको समझ में आएगा, लीजिए स्क्रीनशॉट और बिना देर किए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये आखिर क्या कहता है, देखिए हम लोग क्या करना है, एक सोल्यूशन निकालना है। देखते हैं a1 बटा a2, a1 कितना है, a1 है कुछ नहीं है तो 1 मानिएगा। ठीक है, a2 कितना है, देखिए हम एक ही बार लिख रहे हैं, अगर आपको अलग अलग लिखना है a1 यहाँ लिखना है, ऐसे भी लिखना है आपको, b1 लिखना है, c1 लिखना है, तो अलग अलग आप भर सकते हैं। ठीक है, हम एक ही बार लिख रहे हैं a1 बटा a2। ठीक है, a1 बटा a2, a2 कितना है, 3 है। अब देखिए b1 बटा b2, b1 कितना है, -3 या b2 भी -3 है। C1 बटा C2, C1 कितना है, -7 और C2 है -15। यहाँ माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, ये 1 बचेगा, आपको भरना है तो 3 × 1 = 3 ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं 1/1। अब हमको एक बात बताइए, या फिर इतना ही छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लिखिए -3/-3। अब देखिए पहला वाला दूसरा वाला के बराबर नहीं है, जब पहला वाला दूसरे वाले के बराबर नहीं हो यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो उसका मात्र एक हल होगा यानी अद्वितीय हल उसको बोलते हैं। अद्वितीय का मतलब ये मत समझिए कि अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन नहीं होता है, एक हल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक हल होगा। लिखिएगा पहला वाला यानी a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसीलिए इसके कितने हल हैं, एक हल है। इसके कितने हल है, एक हल है। जब एक हल है तो फिर वही वज्र गुणन विधि फॉर्मूला लगाइए, वज्र गुणन विधि से फॉर्मूला क्या होता है, 1/BC में से BC घटाइए, फिर उसके बाद से y/CA में से CA घटाइए, फिर उसके बाद 1/AB में से AB घटाइए। लिखिए यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, याद हो गया। अब देखिए x लिखिए बट्टा b1 कितना है, b1 - 3 इंटू c2 कितना है, c2 - 15, एक ऑलरेडी माइनस, b2 कितना है, -3 और c1 कितना है, तो c1 है -7, हो गया इज इक्वल टू y/। c1 कितना है, c1 है यहाँ पे देखिए -7 है, और a2 कितना है, तो आपका a2 यहाँ से भरिएगा, a2 आपका हो जाएगा -3 सिर्फ है। ठीक है, c2 कितना है, c2 है -15 इंटू a1 कितना है, a1 है 1, फिर इज इक्वल टू 1/a1 आपका यहाँ पे दिया है 1 इंटू b2 दिया है -3
माइनस ए टू दिया है माइनस में थ्री इंटू बी वन दिया है आपका माइनस में थ्री। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा गौर से देखिए इसको। एक्स बट्टा पंद्रह तिया पैंतालीस माइनस माइनस प्लस में पैंतालीस, सात तरीका इक्कीस लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस में इक्कीस लिखो यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस और सात तरीका इक्कीस तो इक्कीस लिख दिया लेकिन ये वाला माइनस रहेगा। बराबर वाई बट्टा सात तरीका इक्कीस लेकिन माइनस है तो माइनस में, और ये पंद्रह तिया पंद्रह एकम पंद्रह लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए वन बट्टा माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस तीन तरीका नौ। अब देखिए यहाँ पे एक बार इसको कीजिए, मतलब एक पहले निकाल ले, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स बट्टा पैंतालीस में से इक्कीस जाएगा आपका हो जाएगा चौबीस इज इक्वल टू वाई बट्टा ये इक्कीस में से पंद्रह जाएगा तो हो जाएगा माइनस में छः, क्योंकि बड़ा वाला इसमें किस में है माइनस में है, इज इक्वल टू वन बटा नौ में से तीन जाएगा हो जाएगा आपका छः। अब एक काम आपको यहाँ पे करना है, इसको इसके बराबर करना है एक बार, तो x का वैल्यू निकलेगा फिर y को इसके बराबर करना है क्योंकि ये सब आपस में बराबर है। x बटा चौबीस बराबर ये हो जाएगा वन बटा सिक्स, एक्स बराबर हो जाएगा चौबीस बटा सिक्स, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आएगा छः चौका चौबीस, एक्स बराबर कितना आ गया फोर। अब वहाँ पे सेकंड कंडीशन में ये बराबर कीजिए, जब ये बराबर कीजिए तो वाई बराबर हो जाएगा सिक्स बट्टा सिक्स हो जाएगा। ठीक है या फिर आपको ऐसे लिखना है तो वाई बराबर माइनस सिक्स आया है और इज इक्वल टू वन बट्टा सिक्स, इसको काट भी सकते हैं अपने जैसे अच्छा लगा आप कीजिए, वाई बराबर हो जाएगा माइनस सिक्स बट्टा सिक्स, वन हो जाएगा वाई बराबर वन। ठीक है माइनस वन। अब बताइए यहाँ पे आया x बराबर फोर और y बराबर माइनस वन, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसको काट सकते हैं कि यहाँ पे कितना छः से गया छः चौका चौबीस, यहाँ चार हो जाता काटते तो, और चार में एक से गुणा करते तो चार ही ना होगा, x बराबर चार ही आएगा। आपकी मर्जी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन एक बात आपको बता दें आप घर पे सेल्फ स्टडी मायने रखता है, यहाँ पे आपको कोऑपरेट किया जा रहा है देखिए, लेकिन जितना आप घर पे मेहनत कीजिएगा, ये मैथ प्रैक्टिस का चीज होता है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा दिमाग उतना ही खुलेगा। अगर एक बार आपका दिमाग खुल गया और अपने से क्वेश्चन सोचना शुरू कर देंगे फिर उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं बना सकती है। ठीक है इसलिए घर पे आप बैठ कर कर सेल्फ स्टडी कीजिए, फालतू और बकवास कामों में समय मत दीजिए। ठीक है तो बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर यानी दो नंबर का क्वेश्चन, दो का एक नंबर। देखिए क्वेश्चन में वैसे ही है, दो ठो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैव एन, ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बोल रहा है कि ए और बी के किस मान के लिए, ठीक है, ये जो पेयर दिया है यानी कि रैखिक समीकरण दिया है, ये क्या होगा अनंत पर होगा, यानी कि अनंत नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है यानी इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे बोला है। अनंत के लिए क्या बताए थे हम, जाहिर सी बात है एक चीज बताया था कि ए वन बट्टा ए टू इज इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू और सी वन बट्टा सी टू, ये बराबर कर दीजिए, और जैसे ही बराबर आप कीजिएगा इसमें का ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू ये लीजिएगा और बराबर कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा आगे, आपको ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इसी के लिए हम निकालें यानी अनंत के लिए, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सबसे पहले प्लस में इधर ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस में 7 इज इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, सब इधर लाइए। ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस में 3a और माइनस में b, या माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में दो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए a1 a2 b1 b2 आप देख सकते हैं, यहाँ के लिए जब देखिएगा ये डायरेक्ट यहाँ से आप बनाइएगा इधर, ठीक है ये हम बस इतना लिख दिए हैं क्योंकि इधर जगह कम पड़ेगा तो और ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे अब बनेगा कैसे, सबसे पहले a1 बराबर क्या है, a1 बराबर है दो, b1 बराबर है तीन और c1 बराबर है माइनस सेवन, a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर x के साइड वाला को बोलते हैं, तो a2 आपका है a माइनस बी, b2 आपका क्या है y के साइड वाला, b2 है आपका a प्लस बी, और c2 क्या है, तो c2 आपका है माइनस थ्री ए माइनस बी प्लस में
टू, ये आपका है। अब लगाइए अनंत के लिए, अनंत के लिए वही ना बोला है आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोला, इन्फिनाइट सॉल्यूशन में ये ले जाके भरिए तो ए और बी का मान निकलेगा। क्योंकि अच्छा इसमें ए और बी का मान क्यों निकालना है, क्योंकि ओरिजिनल समीकरण नहीं दिया है। ये वाला तो इक्वेशन के जैसा दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है। देखिए एक्स के पहले कोई नंबर होना चाहिए, जैसे ए और बी है। इस कहने का मतलब हुआ कि यहाँ कोई नंबर होगा ए और बी के, जब क्या होगा नंबर, इसीलिए ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फिनाइट के लिए होता है ए वन बट्टा ए टू बराबर होगा बी वन बट्टा बी टू के, और ये बराबर होगा सी वन बट्टा सी टू के। ए वन क्या है दो बट्टा, ए टू क्या है ए माइनस बी, बराबर बी वन क्या है आपका बी वन हो जाएगा थ्री, बी टू क्या है बी टू हो जाएगा ए प्लस बी, सी वन क्या है तो सी वन है माइनस सेवन, सी टू क्या है तो सी टू आपका हो जाएगा माइनस थ्री ए माइनस बी प्लस में टू। इतना आपको समझ आया? अब जब इतना समझ आया तो एक काम कीजिए, ये सब तीनों आपस में बराबर है ना, और हमको ए और बी का मान निकालना है, तो पहले ए दोनों को बराबर करके सॉल्व कीजिए, फिर ये दोनों को सॉल्व कीजिए, कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगा। यानी कि टू बट्टा ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री बट्टा ए प्लस बी। जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी क्या करते हैं गुणा, टू में ए से तो हो जाएगा टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, ये गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा थ्री ए माइनस थ्री बी। ठीक है, अब इधर देखिए, इन दोनों को इधर लाइए तो हो जाएगा टू ए माइन प्लस टू बी, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में थ्री बी, और प्लस में हो जाएगा आपका थ्री बी बराबर में जीरो। क्या किए हम, इन दोनों को ला दिए हैं इधर, यानी कि थ्री ए प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में, कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब ये देखिए तो थ्री बी यहाँ पे ए होगा, ठीक है, थ्री ए में से टू ए जाएगा तो माइनस में ए, और थ्री और टू कितना हो जाएगा फाइव बी। ठीक है, कैसे कीजिएगा आप, देखिए माइनस में तीन गो ए और प्लस में दो गो ए, तो घटेगा प्लस माइनस होता है तो, लेकिन ये दोनों प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा तीन गो बी और दो गो बी, कौ गो बी पाँच गो बी, और इधर बचेगा जीरो। इसको मानिएगा समीकरण आप तीन, क्योंकि एक दो आप मान चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से एक काम कर, हम इसको एक बार बराबर कर लिए, अब ये दोनों को बराबर करें। ठीक है, फिर यहाँ क्या कीजिएगा, थ्री बट्टा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सेवन बट्टा माइनस थ्री ए माइनस बी प्लस में टू। जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा, तीन तरीका माइनस नौ ए माइनस थ्री बी और तीन दूना छः, ये गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस सेवन ए और माइनस में सेवन बी। इन दोनों को इधर लाइए, जब दोनों को इधर लाएगा तो माइनस ए उतारिए जैसे है ये उतार दीजिए, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में सेवन ए, इधर आए तो प्लस में सेवन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ये दोनों को हम इधर ला दिए। अब देखिए एक जात का कौन कौन है, तो सात गो ए यहाँ पे है और माइनस में नौ गो है, तो जब माइनस और प्लस हो तभी घटाते हैं, तो नौ में से दो जाएगा माइनस में, नौ में से सात जाएगा माइनस में टू ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए सात यहाँ पे भी या तीन यहाँ पे, तो सात में से अगर तीन को भी घटा देंगे तो सात को बी में से अगर तीन को भी घटा देंगे तो प्लस में चार को भी, अब प्लस में यहाँ सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये समीकरण आपका हो गया चार। जब ये आपका समीकरण चार हो गया तो एक काम और कर लीजिए यहीं पे, यहाँ पे देखिए एक समीकरण ये मिला और दूसरा समीकरण आपको ये मिला। अब यहाँ से ए वन ए टू और बी वन बी टू मान लीजिए। ए वन बराबर क्या है, गौर से देखिए, ए वन बराबर यहाँ पे इसके साइड वाला, यानी इधर साइड में कुछ नहीं है तो ए वन यहाँ पे एक मान लीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा, फॉर्मूला लगाना है वज्र गुणन विधि, लेकिन ये मान लेंगे तो बेहतर रहेगा, माइनस में एक बी वन। अब यहाँ ए वन बी वन नहीं मान के दूसरा भी मान सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया है ए वन बी वन ही दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। एनीवे हम देखते हैं बी वन, यानी इसके साइड में बी वन, तो इसके साइड में क्या है बी वन पाँच है। ठीक है, सी वन कुछ नहीं तो जीरो। वैसे ही ए टू, ए टू क्या है तो इसके साइड किधर इक्वेशन इधर, ए टू माइनस टू, बी टू क्या है फोर है, और सी टू क्या है सिक्स है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इससे इसके साइड वाले को ए वन बोलते हैं, इसके साइड वाले को बी वन। अब यहाँ ए और बी दिया है तो ये मैंने बैड लक समझिए, क्योंकि यहाँ एक्स वाई रहता है, लेकिन घबराना नहीं है, ये ए बी है, हम मान रहे हैं ए वन बी वन। ठीक है, इसके साइड वाला ए वन कुछ नहीं है तो माइनस वन, इसके साइड वाला बी वन कुछ नहीं है, यहाँ पे फाइव दिया है, और सी तो है ही नहीं तो जीरो भर दीजिए। वैसे ही ए टू हो गया, बी टू हो गया, और ये सी टू हो गया। ठीक है, अब यहाँ वज्र गुणन विधि, यानी कि वो फॉर्मूला यूज कीजिए, वज्र गुणन
विधि से, ठीक है। जो वज्र गुणन आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता है कैसे लिखेगा, x बट्टा लिखते हैं हम बी वन, बी सी में से बी सी घटाते हैं, ये काम करता है। लेकिन यहाँ x आप क्यों लिखिएगा, x आपको नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, वजह बता रहे हैं। बताइए इस समीकरण में, ये जो ये वाला समीकरण है और आपका ये दो ठो जो समीकरण है, इसमें कहीं x दिया है, जब x वाला रहता है तब ना एक्स वाई का मान निकालना है, हमको निकालना है a और b। तो x के जगह पे लिखिएगा a बट्टा बी सी में से बी सी घटाइएगा, b बट्टा सी ए में से सी ए घटाइएगा, और एक बट्टा ए बी में से ए बी घटाइएगा, ठीक है। और यहाँ एक दो दो एक, एक दो दो एक, एक दो एक लिख दीजिएगा, ठीक है। अब वैल्यू भरिए, ए बट्टा बी वन कितना है, बी वन आपका है फाइव इंटू, सी टू कितना है, सी टू आपका सिक्स है, और माइनस बी टू कितना है फोर, और सी वन कितना है जीरो। जैसे जैसे है वैसे वैसे वैल्यू लाइन बाय लाइन भरते जाना है। बी बट्टा यहाँ देखिए C1 0 इंटू A2, A2 माइनस 2, ठीक है, और माइनस C2, C2 है 6 इंटू A1 है आपका माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 बट्टा A2 A1 कितना है, तो A1 है माइनस 1 इंटू B2 कितना है आपका, B2 है 4 माइनस A2 कितना है, तो A2 आपका माइनस 2, A2 आपका है माइनस 2, और B1 कितना है, तो B1 है 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज आपको पता है कि देखिए जीरो है, तो जीरो में किसी भी अंक से गुणा कीजिए वो जीरो ही बना देगा। जीरो एक ऐसा गधा नंबर समझ लो, गधा के साथ रहोगे गधा ही बन जाएगा, वैसे ही जीरो के साथ रहोगे जीरो बना देगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए ए बट्टा पाँच छक हो जाएगा 30, अरे जीरो हो जाएगा तो कहानी खत्म, इसका हटा दो 6, जीरो से गुणा करो खत्म, 6 एकम 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बी है ये इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं वन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए चार एकम कितना हो जाएगा 4, ये माइनस ये पाँच दूना 10, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा आपका 10, यहाँ हो जाएगा ए बट्टा 30 बराबर बी बट्टा 6 इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 6। अब बता रहे थे ए और बी का मान निकालना, एक बार इसको इसके बराबर कीजिए, इसको इसके, यानी कि पहला कंडीशन में यहाँ पे लिखिएगा ए बट्टा 30 बराबर एक बट्टा 6, 6 पचे 30, जो बच गया तिरछा तिरछी गुणा, 5 एकम 5, इधर ए बचा इधर 5 बचा, ए बराबर कितना आया 5। अभी दोनों को बराबर कीजिए, बी बट्टा 6 बराबर एक बट्टा 6, 6 एकम 6, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक आया देखिए यहाँ पे ए बराबर 5 और दूसरा आया बी बराबर 1। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो जब समझ में आया है तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए देखिए भारी नहीं है, बड़ा जरूर है लेकिन भारी नहीं है, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व कीजिएगा, मिस्टेक सबसे होता है, ठीक है। तो इसको बनाइएगा तो आपसे जरूर बनेगा। तो बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दो का दो नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, वही है सेम है, इसमें कुछ भारी नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला है फॉर विच वैल्यू ऑफ के, के के किस मान के लिए, ठीक है, जो भी निम्नलिखित में आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कह रहा है कि कोई हल नहीं है। आपको बताए थे कि उसमें बोला था इसके पहले वाले एक नंबर में, दो का एक नंबर में, कि मेनी सॉल्यूशन, तो तीनों आपस में ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू हुआ था। लेकिन यहाँ कह रहा है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं होने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया ए वन बट्टा ए टू बराबर होगा जरूर बी वन बट्टा बी टू का, लेकिन ये वाला लास्ट वाला सी वन बट्टा सी टू के बराबर नहीं होगा। इसी में ले जाके ए वन बट्टा ए टू भर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, यही से डायरेक्ट फॉर नो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ये होता है ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू, कोई हल नहीं होने के लिए होता है इज नॉट इक्वल टू सी वन बट्टा सी टू, ठीक है। यही तो रूल को फॉलो करना है। ए वन कितना है पहले लिख दे रहे हैं, ए वन है आपका 3, बी वन है आपका कुछ नहीं है तो 1, और सी वन है आपका 1। अच्छा इधर लाइएगा तो बात एक ही हो जाए, इधर लाइए तो माइनस में होगा, ये भी आएगा तो माइनस में, आखिर माइनस से माइनस कट ही जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वन ए वन हो गया, ए टू बराबर क्या होगा, एक्स के साइड वाला ए टू यानी कि 2k-1, बी टू बराबर क्या हो जाता है, वाई के साइड में बी होता है तो k-1,
और ये C2 बराबर का हो जाएगा, तो जो बच गया वो C2 है। C2 हमेशा याद है किसी के साइड में नहीं होता है, C2 डायरेक्ट वहीं पे होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि B साइड में होता है, A साइड में होता है, लेकिन आपको C डायरेक्ट वो जो दिखता है वही लिख देना है। अब वैल्यू भरिए इसमें, ए वन तीन बट्टा टू के, ये सब बट्टा खाली लगा दीजिए ना, इसमें बट्टा लगा दीजिए सब हो जाएगा। टू के माइनस वन बराबर वन बट्टा के माइनस वन, नॉट बराबर, ये वाला बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखिए C1 एक बटा टू के प्लस में वन। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा इस क्या लगता है यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों बराबर है ना, बस दोनों को बराबर करके सॉल्व कीजिए, ये दोनों बराबर नहीं ना, मत बराबर करके सॉल्व कीजिए, ऐसे ही कीजिए, लेकिन काम तो हमेशा वही कीजिएगा। यहाँ देखिए इसको पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, थ्री बट्टा टू के माइनस वन बराबर वन बट्टा के माइनस वन, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो तीन में के से तो तीन के माइनस तीन एकम तीन, वन में इससे गुणा कीजिए तो वन में वही रह जाएगा टू के माइनस वन। एक जात को एक जगह कीजिए, क्या कीजिएगा, दोनों को इधर ला दीजिए या फिर के को लाइए इधर और नंबर को भेजिए उधर, तो यहाँ पे है थ्री के और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में टू के इज इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में तीन, तीन को के में से दो के जाएगा तो वन के, तो वन नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट के लिखो, और ये हो जाएगा आपका तीन में से वन जाएगा दो, के का मान कितना आया दो आया। तो आपको के का मान निकालना है, के किस मान के लिए, सॉल्यूशन कोई हल नहीं होगा। दूसरा क्या करना है, ये वाला एक बार हम इसको ले लिए, एक बार आप इसको ले लीजिए, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है छोड़ दीजिए, यहाँ तक आपका आंसर आ गया है। दूसरा कंडीशन में आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू वन बट्टा टू के। अब ये मत सोचिएगा सर ये बराबर नहीं है तो तिरछा तिरछी गुणा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आपको दिया है बराबर नहीं है लेकिन काम वही करना है। गुणा कीजिएगा तो ये वन में कितना से गुणा कीजिए उतना ही रह जाता है, और k माइनस वन, एक जात को एक जगह, टू के प्लस में इधर आएगा तो माइनस में k, और ये माइनस में वन प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में वन हो जाएगा। दो के में से एक के जाएगा तो नॉट इक्वल टू है, एक ठो k बचेगा, ठीक है, और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस में टू, नॉट इक्वल टू, तो एक आपका ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम करने के बाद से क्या आ गया, उधर हम भेज दिए, तो देखिए एक आया k बराबर दो, एक आया k इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, तो ये तो कोई संभव है नहीं, भरिएगा तो k बराबर आपका दो सही है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए जब भी आपको समझ में नहीं आए कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए कि सर मेरे को ये पल्ले नहीं पड़ा, जब पल्ले नहीं पड़ेगा तो जबरदस्ती पल्ले तो पढ़ाया नहीं जाएगा, इसीलिए उसको डीपली समझाया जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।